मंजिलें आसान नहीं होती। मन पे पहुंचने के लिए इंसान को अपने अंदर नजरियात चाहिए, प्रिंसिपल्स चाहिए, उसूल चाहिए, ख्वाब देखने का परमिट चाहिए, ख्वाबों को तकमील करने का परसेप्शनल सर्टिफिकेट चाहिए। तो पहले अपने ख्वाबों को जस्टिफाई कराओ अपने अंदर कि इज इट द राइट फॉर मी टू ड्रीम और नॉट। अगर तुम्हारा कलेजा अंदर से तुम्हें कहता है कि आई अलाउ यू एंड आई सर्टिफाई यू, और मैं तुझे इजाजत देता हूं कि हां तू ये ख्वाब देख सकता है, और जब अंदर से मन की पूरी साइकोलॉजी तेरे साथ खड़ी होगी तो तुझे पता होगा जब हिटे पड़ेंगी आगे जाके, जब रिजेक्शन और सियासतें और पॉलिटिक्स खेली जाएगी तेरे विजन के खिलाफ, तो तेरा अंदर का आप, तेरी अंदर की फौज तेरे साथ खड़ी होगी, तू गिरेगा नहीं उस टाइम पर। बट एनएस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्ना फिल जसदी मुज़गा, इंसान के जिस्म के अंदर एक मशीन है, उसके अंदर एक ऐसा ऑर्गन है, इज़ा सलाहत, इफ इट इज राइचियस, इफ इट इज सॉलिड, इफ इट इज ऑन वैल्यूज, इफ इट इज प्रिंसिपल्ड, इट इज ऑर्गेनाइज्ड, मेंटली नरिश्ड, परसेप्शनली नर्चर्ड, इट इज बैलेंस्ड, इट इज स्ट्रेंथेंड अप विद उसूल, वैल्यूज, एकेडमिक्स एंड एजुकेशन। सलाह अल जसद कुल्लुहू, तूफान जितना भी सामने खड़ा हो इंसान का जिस्म परफॉर्म करके दिखाएगा उस टाइम पर। वह इजाफ़ फसद एंड इफ द हार्ट इज नॉट बैलेंस्ड विथ एकेडमिक्स, प्रिंसिपल्स, उसूल, ज़वाबित, कवायद, अकायद, नजरियात, तफक्कुर, कॉन्टेम्पलेशन, परसेप्शन, रीजन, रैशनैलिटी, थिंकिंग, बैलेंसेस, इक्विलिब्रियम, ऑड्स एंड द नॉट्स एंड द ऑड्स टू डू इन दिस लाइफ, तो इंसान का जिस्म जिंदगी की जंग में फसद अल जसद कुल्लू, गिर जाएगा, हार मान जाएगा, वो शक की वादियों में जाएगा, वो शुभात की वादियों में जाएगा, वो डिजायर में मर जाएगा, वो डाउट में चला जाएगा, क्योंकि जिंदगी के सफर में अपने आप को कुछ बनाने के लिए, अपना लोहा मनवाने के लिए, अपना सिग्नेचर मनवाने के लिए, अपना इल्म मनवाने के लिए, अपना गुर्दा मनवाने के लिए, अपना रिस्क मनवाने के लिए, ये मनवाने के लिए कि मैं कह रहा हूं इस काम को ऐसे कर दिया जाए, अपने आप को कन्विंस करना पहले पड़ता है, कौमों को बाद में कन्विंस किया जाता है। जो शख्स खुद कन्विंस नहीं है वो कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकता है, वो कैसे अपने विजन को लोगों में उतारेगा, वो कैसे टीम बिल्ड करेगा, क्योंकि खुद जब उसे पता होगा। इसलिए अरबी का मकूला है, मन अदरक सियासत नफ्सी, फकर अदरक सियासत नास, द वन हू मास्टर्स द पॉलिटिक्स ऑफ हिज ओन मेंटल माइंड्स, द वन हू मास्टर्स द पॉलिटिक्स ऑफ हिज ओन डिमेंटेड परसेप्शन, द वन हू मास्टर्स, द वन हू बिकम्स अ कमांडर ऑफ हिज ओन थिंकिंग इन हिज रैशनैलिटी, विल लर्न टू मास्टर द माइंड ऑफ पीपल। जो अपने नफ्स के ऊपर एम्पावर्ड होगा, जो अपने डिजायर्स को मुंह दे सकता है, जो अपने शक को, अपने उस ग्रे को, अपने उन शुभात को, अपनी उस अनसर्टिनिटी को, अपने उस इस्तराब को, अपने उस गम को, अपने उस दुख को, अपने उस इश्क को, अपने उस पैशन को, अपने उस माजी को, वो डिमेंटेड वादियों को, वो गुजरी हुई दुखों को, वो रातों की तन्हाइयों को, वो लोगों की धुतकारों को, वो कलेजों पे छुरों को और छातियों के ऊपर खंजरों को और अपनी कमरों के ऊपर उन तलवारों को बर्दाश्त नहीं कर सका, वो कौम में कैसे हौसला डाल सकता है, वो लोगों में कैसे हौसला डाल सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल के वो खुद कुंदन ना बनाओ, हाउ इज इट पॉसिबल के वो खुद आग में जलाना हो, हाउ इज इट पॉसिबल के उसने खुद थप्पड़ नहीं खाए हो, हाउ इज इट पॉसिबल जब उसने दर दर अपने विजन की भीख ना मांगी हो, हाउ इज इट पॉसिबल जब उसने लोगों को स्कोर किया हो, उन्हें ट्रेन किया हो, उन्हें माइंड सेट उनका तैयार किया हो, वो 2 रुपए पर उसको छोड़ के चले जाते हो, कोई 20 रुपए पे उसके साथ दगा करके चले जाते हो, वो सल्तनत बनाएगा जिंदगी में? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसलिए हर लीडर को, हर आदमी को, हर शख्स को पहले अपने इस जिस्म की फौज को अपने अंडर लाना पड़ता है, फिर वो लोगों के साथ एक फौज बनाता है, फिर वो टीम एक दुनिया में मायानाज परफॉर्मेंस देती है। तो ये महज जज्बातों का गेम नहीं है, इसमें कन्विक्शन चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए, यकीन चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, ऑप्टिमिज्म चाहिए, बर्दाश्त चाहिए, सबर चाहिए, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए। ये सारी चीजें इंसान में तब आएंगी जब उसका इमोशनल कोशेंट इज गवर्न्ड, रूल्ड, ऑर्गेनाइज एंड डोमिनेटेड by the perceptional values he has। तो motivation emotional ना रखें, emotions वहां इस्तेमाल करना। मेरा टेप अगर लेना है, अगर हमें उस्ताद मां ये आखिरी बैग रखना जहां बिल्कुल ही कुछ ना हुआ, तो देन मोटिवेट योर सेल्फ विद द इमोशन, लेकिन प्रिंसिपल्ड बनो। अगर तुम उसूलों, जवाबे, कवायद, परसेप्शनल बेसिस पे काम उठाओगे ना जिंदगी का, अगला कुछ भी कर ले, तुम्हें पता होगा ये लाइफ इस
सफर का पार्ट है, तुम अनअवेयर नहीं होगे, तुम कंटेन कर सकोगे, चेहरे पे झुरियां नहीं पड़ेंगी, चमाटों और थप्पड़ों और वक्तों के वक्त लोग तुम्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, लोग जान नहीं सकेंगे तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, तुम्हें स्टडी करना आसान नहीं होगा, तुम्हें गिराना आसान नहीं होगा, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन बैलेंस्ड होंगे, तुम्हें उठाना अपने आप को मुश्किल नहीं होगा, तुम्हें पता है जब तुम एक फैंटेसी आइलैंड में अफसानों की जिंदगी के अंदर अपने आप को बनाने जाओगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि जो मूवीज के अंदर हैप्पी एंडिंग हो जाती है ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रही, उनके वो अफसाने हैं। सो बी लिटरल एंड बी रियलिस्टिक एंड बी ओरिजिनल एंड बी प्रिंसिपल्ड, उसूलों के साथ इसमें आए और देखें एक टाइम आएगा जब आपको मोटिवेट करना पड़ता है अपने आप को, इन नस्ल हमारा तुम बिसू, क्योंकि इंसान का नफ्स है। एक टाइम आएगा आपका नफ्स आपको खुद मोटिवेट करेगा, आपको लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे आगे चलने के लिए, आप खुद ही डिजायर से लड़ जाएंगे, आप खुद ही डाउट से लड़ जाएंगे, आप खुद ही कंफ्यूजन से लड़ जाएंगे। मगर एक हार्नेसिंग और हैमरिंग के बाद इंसान का माइंड उसका गुलाम बनता है। पहले तो वो उसे अपना गुलाम बना रहा होता है, पहले वो अपने इमोशनल कोशेंट के थ्रू, जब उसने इंसान को, जब इंसान जिंदगी में गुलामी से आजाद होने लगता है ना, तो नफ्स इतना सियाणा है, नफ्स आके इमोशंस को थोड़ी सी मिर्च लगाता है तो वो उसकी वॉक को इमोशनली डिस्ट्रॉय करता है, गुस्से में डाल देगा, उम्मीदों में डाल देगा, फलां जगह डाल देगा कि ये एक ऐसा भंड मार दे ये आगे जा ना सके। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें, इस रास्ते में दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त मत बनाएं, बल्कि दुश्मनों के साथ चलना सीखें। लोगों के साथ चलने के लिए आपके कलेजे में बर्दाश्त होनी चाहिए, वसत होनी चाहिए, ब्रॉडनेस होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। स्टेशन टू स्टेशन बढ़ने के लिए रिसोर्स चाहिए होता है, लास्ट लाइन रिसोर्स चाहिए होता है, लोग चाहिए होते हैं, अपना आप चाहिए होता है, अपना कलेजा चाहिए होता है, एक यकीन चाहिए होता है, सबर चाहिए होता है, सर्टेंटी चाहिए होती है, दबाव चाहिए होता है, इस्तकलाल चाहिए होता है। ये महज गाने लगा के मोटिवेट नहीं कर सकता, ये महज सिगरेटे पी के मोटिवेट नहीं कर सकता, ये महज नशे करके, ये महज पार्टियां करके नहीं हो सकता। यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू कीप नेलिंग एंड हैमरिंग योरसेल्फ टिल अ टाइम विजन आप ही विजन बन जाएंगे, आप दलील बन जाएंगे लोगों के लिए, आप ही सिग्नेचर बन जाएंगे एक विजन का, लोग आपको कोट करेंगे और लोगों को दूसरों को कोट नहीं करना पड़ेगा। ऐसी परफॉर्मेंसेज होती हैं जिससे सेल्फ मोटिवेशन खड़ी होती है। महज लोगों की तकरीरें सुनना बंद करो, खुद एक तकरीर बनो अपने अंदर। लोगों के कलेजों को सुनना बंद करो, वो सही है होना चाहिए, खुद एक जिगर बनो, खुद एक कलेजा बनो, सबर और बर्दाश्त की ऐसी मिसाल बनो। अपने अंदर अपनी इज्जत करना सीखो। तकब्बुर और सेल्फ एतमाद में फर्क ये होता है, तकब्बुर बगैर दलील के होता है, सेल्फ एतमाद मेहनतों के बाद होता है अपने ऊपर। तकब्बुर कभी नहीं करना बेटा, किसी को हकीर ना समझना, एतमाद रखना मगर एतमाद के साथ किसी को बतरुल हक वगम को नाश नहीं करना। सफर लंबे हैं, बहुत फेलियर आएगा, बहुत पैर उखड़ेंगे, बहुत वादियां हिलेंगी, और अल्लाह ने इबलीस को इसलिए तो कहा था कि मैं ज्यादा गेम को टफ कर देता, उसने तो सिर्फ इतनी सी बात की थी कि मैं सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनी अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शिमालिहिम। अल्लाह तूने आदम को मेरे ऊपर सुपीरियोरिटी दे दी, मैं आगे पीछे राइट लेफ्ट। सूरह रात में कहता है अल्लाह मैं साबित कर दूंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, दैट ही डिडंट डिजर्व दिस पर्सोना, ही डिडंट डिजर्व दिस प्रोस्पेक्टस यू हैव गिवन टू हिम। तो अल्लाह ने भी फिर आगे चैलेंज किया कि हम चैलेंज को और बढ़ाते हैं, तू इसे देख सकता है ये तुझे देख नहीं सकता, वास्तव से तू उसके कलेजे में वसवसे डाल सकता है, ये जिनों के अंदर इंसान जिनों को वसवसे नहीं दे सकता, तू इसके खून में जा सकता है, यजरी कमजरी दम ये तेरे खून में नहीं जा सकता, तू वशारिकुम फिल अमवाली वल औलादी, तू इसके माल दौलत में शरीक हो सकता है, ये तेरी माल दौलत में शरीक नहीं हो सकता। वाजिली अलैहिम बिखैली का वरजली, तुझे मैं आर्मीज देता हूँ, प्यादे देता हूँ, रिसोर्सेज देता हूँ, मेरा चैलेंज तू सुन। आदम का बच्चा बगैर जन्नतों को देखे, बगैर जहन्नमों को देखे, बगैर नबियों को देखे, बगैर अल्लाह को देखे और बगैर जिब्रील और उसकी फौज को देखे वे ना इस दुनिया में परफॉर्म करे, तो फिर तू इस बात को लिख दी क़यामत के दिन इन्ना इबादी लैसा लका मिन सुल्तान, ये तुझे परफॉर्म करके दिखाएगा। इसलिए एक ब्रीड इंसानों की है जो अनदेखी वादियों में भी परफॉर्म करने के लिए बनी है, जिन्हें कभी शक नहीं हिला सकता, जिन्हें कभी शुभात नहीं हिला सकते, जिन्हें कभी शहवात नहीं हिला सकती, जिन्हें कभी डिजायर नहीं हिला सकते। बी द वन हु मेक्स द वन। जंगों के लिए तैयार करें अपने आप को, और उन जंगों के बाद भी अपने दुश्मनों को अपना कलेजा दें, अपना जिगर दें, अपना सीना दें, वो एतराम दें कि वो कह सके दैट इवन एनिमीज हैव वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। इस
जंग में उसूलों के साथ लड़ना। अगर उसने थप्पड़ मारा है तो तुम उसे थप्पड़ नहीं मारना, तुम उसे गले लगाना। तुम्हारी पर्सनैलिटी होगी जो लोगों को कायल करेगी। कम से कम रिसोर्सेस के अंदर जब पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, लोग नहीं है, द हिट इज नॉट देयर एंड द क्लिक इज नॉट देयर, लोगों को कैसे कायल करोगे जो खुद डूबे हैं अपने अंदर। उसके लिए अपनी जात के मसलों से आजाद होना पड़ेगा। ऐसे लम्हात में मोटिवेट करने के लिए गाड़ी में टेप और सीडी नहीं लगानी पड़ती, अपने कलेजे के अंदर से खुद मोटिवेशन आती है कि मैं फोर बेरर हूं इस विजन का, मैं इसका फाउंडर हूं इस थॉट का। मैं अपने आप को वो इतनी एवरेज पे सेटल नहीं कर सकता, आई बी द वन, मैं लिख के जाऊंगा, और अगर कुछ ना भी बना सका तो एंड पे रोस्ट्रम के अपना खड़ा होकर अपना गम भेज जाऊंगा। कई सुनी बात में कोई गलती हो तो माजरत चाहते हैं, जो हक बयान किया वो अल्लाह और उसके लोगों का था। वाकुर दावाना अलहमदुल्ला रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर।